ठीक है। तो आज हम लोग एक हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो उस टॉपिक का नाम है स्ट्रेंथ और मटेरियल। ध्यान देना कि जो हमारा पूरी इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक सब्जेक्ट तो होता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको हम लोग सोम के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कि इसमें हम लोग क्या करेंगे कि उस जो मटेरियल हम लोग लेंगे, यानी बिहेवियर ऑफ मटेरियल सब्जेक्टेड टू फोर्स और मोमेंट। क्या होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक मटेरियल है, तो उस मटेरियल की बिहेवियर बिहेवियर टू सब्जेक्टेड टू सब्जेक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट। क्या होता है कि किसी भी मटेरियल के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है और कितना मोमेंट उस पे लग रहा है, तो उन सारे मटेरियल के हम लोग जो स्टडी करते हैं वही कहलाता है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। अगर मैं बात करूं कि मटेरियल को यहाँ पर मटेरियल बिहेवियर सब्जेक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट, अगर मान लो ये हमारे पास कोई एक पेन है, इस पेन के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है और ये पेन जो हमारी है, जो पेन हमारी है वो कितने फोर्स को सहन कर पा रही है, तो मटेरियल की हम लोग क्या ताकत निकालेंगे यहाँ पर, सीधी सी कहने की बात है। ठीक है, अगर मैं मटेरियल की बात करूँ तो मटेरियल जो होते हैं हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट होता है हमारे पास रिजिड मटेरियल, सेकंड होता है हमारे पास डिफॉर्मेबल मटेरियल। पहला हो गया हमारे पास रिजिड मटेरियल, सेकंड हो गया हमारे पास डिफॉर्मेबल मटेरियल। क्या होता है सर रिजिड मटेरियल, क्या होता है हमारे पास डिफॉर्मेबल मटेरियल, कि ऐसा मटेरियल जो एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर हम लोग लोड लगाते हैं, यानी फोर्स को हम लोग क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, और फोर्स को अप्लाई करने के बाद में उसकी साइन हो गई शेप, है ना, लेंथ, डू नॉट चेंज। यानी एक ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर हम लोग फोर्स को लगाते हैं और फोर्स को लगाने के बाद में उसकी साइज शेप और लेंथ में कोई परिवर्तन ना हो, यानी चेंज नहीं होते, जैसे मटेरियल का हम लोग कहते हैं रिजिड मटेरियल, ऐसे मटेरियल का हम लोग कहते हैं रिजिड मटेरियल। तो जिस मटेरियल में अगर फोर्स को हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद में उसकी साइज शेप और लेंथ ईटीसी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मेबल मटेरियल, और इसी को हम लोग डिफॉर्मेबल मटेरियल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये दो चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है कि मटेरियल बिहेवियर सब्जेक्ट फोर्स एंड मोमेंट, यानी किसी मटेरियल के ऊपर कितना फोर्स आ रहा है, कितना मोमेंट आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों का, यानी मटेरियल का कहने का अर्थ होगा कि उस मटेरियल के हम लोग क्या करेंगे बिहेवियर निकालेंगे। तो इसी चीज़
को हम लोग मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से जाना जाता है। अगर बात करो कि सर स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत फोर्स है ना, मटेरियल ये हो गया हमारे पास मटेरियल, कोई से भी मटेरियल हो सकता है, आयरन हो गया, स्टील, स्टील आयरन बोन से होता है, कास्ट आयरन हो गया हमारे पास, एल्युमिनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहां पर इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये होता क्या है ना। अब हम लोग स्ट्रेस किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेस नॉर्मली कुछ नहीं होता है, ठीक है, जब हमारे पास कोई एक बॉडी है, एग्जांपल के तौर पर देखते हैं हम लोग कि हमारे पास ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, या हमारे पास क्या कोई एक बॉडी है और इस बॉडी को जो मैं फ्री फोर्स के द्वारा इसको मैं खींचता हूं, ये इसकी हो गई यहां से लगा के ओरिजिनल लेंथ एल, इस बॉडी को जब मैं पकड़ के खींचता हूं तो इसके अंदर कुछ न कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं। देखो अगर मैं फ्री फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो ये इसके इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर कुछ न कुछ हमारे ये डेवलप हो चुके हैं। ये अब मैं क्या करते हैं, हम एक साइड में ले लेता हूं यहां पर, जैसे तो देखो इधर टेंशन फोर्स लगा हमारे पास ये, और इधर कौन सा फोर्स लगा है हमारे पास P। तो स्ट्रेस कुछ नहीं होता है जब किसी बॉडी के ऊपर, जब किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स P अप्लाई किया जाता है तो बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होते हैं, तो इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो बोल सकते हैं व्हेन अप्लाई स्ट्रेस परिभाषा देख रहे हैं, व्हाट इज स्ट्रेस है ना, व्हाट इज स्ट्रेस, इट इज अ डिफाइंड फोर्स अपॉन एन एरिया, स्ट्रेसेस आर जनरेटेड एज अ रेजिस्टेंस टू द अप्लाइड स्ट्रेस, स्ट्रेसेस ऑफ ए रेजिस्टेंस to develop, apply in external force, external force when and force and body is internal resisting, internal resisting force are developed is called stress। देखो जब किसी बॉडी के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसके बॉडी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स या इंटरनल स्ट्रेस भी डेवलप हो जाता है, तो इसी को हम लोग स्ट्रेस के नाम से जानेंगे। इसको हम लोग ध्यान देना सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस,
ये क्या होता है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस। अब फ्रिज वाले क्वेश्चन को रद्द कर रहा हूं, ठीक है। अब जैसे अगर बात करूं मैं स्ट्रेस हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, स्ट्रेस हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है नॉर्मल स्ट्रेस, जिसे हम लोग सिग्मा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है हमारे पास शियर स्ट्रेस, जिसको हम लोग टाउ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मल स्ट्रेस को भी हम लोग अलग अलग तीन भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे पहला हो गया मेरे पास एक्सियल स्ट्रेस, बी बेंडिंग स्ट्रेस, सी बियरिंग स्ट्रेस। तो ये हमारे नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप हो सके हैं। वैसे अगर मैं इसकी बात करूं शियर स्ट्रेस की, इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं हम लोग। पहला जो होता है हमारे पास डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, उसका बी जो होता है इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये इसको अलग अलग भागों में हम लोगों ने बांट दिया है। अब हम लोग एक एक करके इसको और आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस बराबर होता है, देखो स्ट्रेस जो होता है हमारे पास वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन में एरिया, ना कि फोर्स अपॉन में एरिया। बात को ध्यान सुनना, स्ट्रेस जो होता है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, और ना कि हमारे पास फोर्स अपॉन में एरिया। क्यों इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्यों होता है? अगर ये हमारे पास कोई बॉडी है, जब इस पेन को मैं खींचूंगा तो इसी पेन के अंदर हमारे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस डेवलप, यानी कुछ ना कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होंगे, उसी को हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। और जैसे हम लोग आप एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। अगर मैं स्ट्रेस की अगर यूनिट की अगर बात करता हूँ यहाँ पर, है ना, तो स्ट्रेस की यूनिट होती है हमारे पास ऐसा यूनिट में न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या इसी को हम लोग मेगा पास्कल के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग मेगा पास्कल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारी यूनिट है, और इन यूनिट को आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम लोग रख करें, आप एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। देखो मैं आप लोगों को कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने कोई बीम को देखा होगा, बीम कैसी होती है इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पर कुछ हमारे एक कॉलम होते हैं इस टाइप से, इसी टाइप से कुछ बीम होती है हमारे पास। इसकी जो लेंथ हो गई है, ठीक है, और जो कॉलम होते हैं हमारे पास कुछ इस टाइप से, यानी जो वर्टिकल नंबर होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम। इसकी जो लेंथ हो गई यहां से लगा के एल, ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉलम। बात को ध्यान से सुनना,
जो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है उसको हम लोग बीम कहते हैं, और जो वर्टिकल मेंबर होता है उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। अब जब हम लोग इसके ऊपर बीम के ऊपर लोड का हमेशा ऐसे ही कुछ लगेगा यहां पर P, ठीक है, और यहां पर हमारा इधर ऐसा कुछ फोर्स लगेगा P। तो देखो उसकी लेंथ भी एक्सिस ये हो गई और इसकी लेंथ भी एक्सिस हमारे पास ये हो गई। तो एक बार ध्यान देना कि जो भी फोर्स मैं लिख देता हूं उसकी परिभाषा कि जो फोर्स लेंथ की एक्सिस के परपेंडिकुलर लगा हो तो उसे हम ट्रांसवर्स लोड या फिर फोर्स कहते हैं। कैसे करते हैं, अगर मैं यहां पर जो एंगल बनाऊंगा वो कितने डिग्री का बन रहा हमारे पास 90 डिग्री का, तो हमेशा एक बार ध्यान में लाइन में कि बीम के ऊपर हमारे पास जो भी फोर्स लगता है वो टोटल हमारे यानी एक्सिस के यानी ऐसा दुनिया में कोई सा भी मटेरियल जो कि एक्सिस के क्या हो परपेंडिकुलर उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स लोड। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में कई बार आ चुका है। दूसरी बार जो एक्सिस के क्या लगा एक्सिस के पैरेलल लगा हो यानी ये सकते हैं हम लोग फोर्स अप्लाई जैसा लिखो लेंथ की एक्सिस के डायरेक्शन में लगा हो तो इसे फोर्स को हम लोग एक्सियल लोड या फिर फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये बात थोड़ी आपको ध्यान देना एक्सियल फोर्स क्या होता है और ट्रांसवर्स लोड क्या होता है, बस ये हमको दो कांसेप्ट यहां पर सिखाना था। देखो अगर आप लोग नोट्स को अगर साथ के साथ बनाते जाओगे है ना, नोट्स को आप लोग अगर साथ के साथ बनाते जाओगे तो आप लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा सर, क्योंकि आप लोगों के यहाँ कमांड्स अच्छे हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास समझ में आ गया होगा ट्रांसवर्स लोड किसे कहते हैं हम लोग है ना, और एक्सेल लोड किसे कहते हैं। अब देखो सबसे पहली बात करो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरे पास एक्सियल लोड। क्या होता है एक्सियल लोड कि फोर्स व्हेन अप्लाई ऑफ डायरेक्शन ऑफ लेंथ of axis length of axis, ठीक है। कैसे सर, देखो अगर हमारे पास ये जो बॉडी है वो इसकी लेंथ है l होगी, अब इसके ऊपर जब मैं p फोर्स लगाऊंगा तो यही तो लेंथ एक्सिस होगी इसकी, तो जो फोर्स हमारा एक्सिस के क्या हो डायरेक्शन में हो यानी लेंथ के एक्सिस के डायरेक्शन में हो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं एक्सेल फोर्स। और इससे एक क्वेश्चन बनता है हमारे पास एक्सेल फोर्स होता है ये टेंसाइल और कंप्रेशन दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। इसमें हमारा दूसरा फोर्स होता है इसका जो बी फोर्स होता है हमारे पास बेंडिंग
बेंडिंग स्ट्रेस, यहां पर नोट मत लिखना, स्ट्रेस लिख लेना, स्ट्रेस है ना, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान देना कि एक्सियल फोर्स हमारा टेंसाइल की टेंसाइल जोन भी जनरेट करेगा, साथ ही साथ में कंप्रेशन जोन भी जनरेट करेगा। अगर बेंडिंग की अगर बात करूं मैं तो बेंडिंग का मतलब होता है कोई भी चीज हमारी का बेंड हो जाना, किसी भी चीज का क्या बेंड हो जाना। अगर एक पेन है तो इसमें मुड़ूंगा तो क्या पूरी बेंड हो जाएगी। तो देखो ये हमारे पास कोई एक बीम है, ये हमारे पास क्या कोई एक बीम है, थोड़ा बड़ा ध्यान देना, ये हमारे पास कोई एक बीम है और इसकी जो लेंथ होगी हमारे पास ए, और इसके ऊपर मैंने क्या करा यहाँ पर पी फोर्स को लगा दिया। देखो अब मैंने क्या करा यहाँ पर पी फोर्स लगा दिया है ना, तो एक्सेल स्ट्रेस में हमेशा टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्स दोनों प्रकार के फोर्स हमारे जनरेट होते हैं। अब इसमें देखो क्या सर, ये बिंदु हो गया हमारे पास ए बी सी और डी, जब इसके ऊपर यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये कुछ हमारा बेंड हो जाएगा इस टाइप से, ये हमारा क्या इस टाइप से कुछ बेंड हो जाएगा, यहां पर बेंड हो गया ये, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बेंड हुआ हमारे पास, तो एक बात ध्यान देना कि जब बेंड हो रहा था ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारे पास कंप्रेशन जोन, और जो नीचे वाला भाग है ना हमको ये हो जाएगा हमारे पास टेंसाइल जोन। क्यों? क्योंकि अगर पेन इस टाइप से मुड़ेगी तो ऊपर वाला कुछ कुछ कंप्रेस करेगा, नीचे वाला हमारे का टेंशन कुछ करेगा, इसको कह दिया हमने क्या टेंशन जोन। तो टेंशन जोन में हमारा टेंसाइल फोर्स जनरेट होगा और साथ ही साथ में कंप्रेसिव जोन में हमारा कंप्रेसिव फोर्स क्या जनरेट होगा, क्या होगा इसका जनरेट होगा। और एक बार ध्यान देना इसकी लेंथ हमारी ये हो गई, तो जो बेंडिंग स्ट्रेस में जो फोर्स हमारा लगता है उस फोर्स का नाम हो गया, उस फोर्स का नाम हो गया ट्रांसवर्स लोड, जो लोड लगा है ना हम लोग तो उस लोड का नाम हो गया ट्रांसवर्स लोड है ना। तो ये बात आप थोड़ी ध्यान देना है, तो ये बातें आपको थोड़ी ध्यान देना है। एक्सियल स्ट्रेस में हमेशा हम लोग एक्सियल फोर्स लगाते हैं, जबकि बेंडिंग स्ट्रेस में हमेशा हम लोग ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ दो परिवर्तन है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो है ना। देखो जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है आप लोग यही की तैयारी कर रहे हो, साथ में एसएससी जेईई सब इंजीनियर जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो उन सारे क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को पूरा हेल्प करेगा ये वीडियो लेक्चर, ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। अब इसको मैं डब कर रहा हूं यहां पर, दूसरा जो होता है मेरे पास एक और बचा हुआ है यानी सी वाला हमारे पास बियरिंग स्ट्रेस, क्या होता है हमारे पास बियरिंग स्ट्रेस, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं रखते हैं, जैसे मेरा हाथ में एक पेन है और इस पेन को मेरे हाथ के ऊपर रख दिया तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था हमारे पास यहाँ पर क्या पूरा कंप्रेशन जोन स्टार्ट हो रहा है, जैसे एग्जांपल के इसको हम लोग बनाने का भी कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक बॉडी है ना, और इस बॉडी के ऊपर मैंने कोई एक दूसरी बॉडी रख दी है, देखो
तो ये बॉडी तो हमारी क्या नीचे की तरफ स्ट्रेस डेवलप करेगी, लेकिन जो नीचे वाली बॉडी क्या उसको ऊपर की तरफ हम डेवलप करेगा यहां पर कुछ फोर्स, ये है ना इस टाइप से। तो यहां पर जो स्ट्रेस हमारा डेवलप होगा उसको कहते हैं हम कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है। तो ले सकते हैं एट ए बॉडी सपोर्टेड सपोर्ट एट अनादर व्हेन फोर्स ऑन टू बॉडी आर कंप्रेशन कंप्रेसिव कंप्रेशन। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेयरिंग स्ट्रेस। क्या लिखा हुआ है कि जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर हम लोग रखते हैं उसमें जो फोर्स दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स होता है उसको कहते हैं हम लोग कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है। तो ये हमारे नॉर्मल स्ट्रेस के कुछ टाइप्स हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस के कुछ न कुछ टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब हम लोग इसके कुछ अगले टाइप्स के आगे बात करेंगे, लेकिन हम लोगों को क्लास यहीं पर खत्म करना पड़ेगी। तो हम लोगों ने नॉर्मल स्ट्रेस के टाइप्स पढ़ लिए हैं। ठीक है।